तो गाइस आप सबका वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज पर खेलने वाले एक और नया गेम जिसका नाम है प्रिजन सिमुलेटर प्रोग्लूग। और ये वाला गेम यार काफी ज्यादा शानदार है। इस गेम के अंदर अपने गार्ड होने वाले काफी ज्यादा बड़े प्रिजन के, और उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक कैदी भी रहने वाले हैं। ऐसे नहीं टुचमुचे कैदी, सारे के सारे कैदी लगभग तो मर्डर होने वाले हैं, कोई बड़ी बड़ी रोबरी करने वाले हैं, बट सारे के सारे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो उन सभी की अपने को केयर रखनी है कि कोई भाग न जाए और साथ में उनमें से कोई लड़ाई नहीं करे। तो वो सारा का सारा अपने को करना है, और जैसे जैसे अपन काम करेंगे वैसे वैसे अपने को प्रमोशन है वो भी होता रहेगा, और अपने को एक बड़ा ऑफिसर भी बनना है। तो सबसे पहले तो अपन गेम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो गाइस अपना गेम है वो तो स्टार्ट हो चुका है, बाकी सामने की साइड में आप देख रहे हो अपना एक ऑफिसर और भी है। वैसे ऑफिसर नहीं है ये, अपने जैसी लेवल का है, तो अपने को इससे भी बच के रहना होगा कि मतलब कि ये हमारे से जल्दी प्रमोशन ना लेने, मतलब कि अपने को इससे ज्यादा बढ़िया वर्क करना है ताकि इसको प्रमोशन ना मिले और अपने को प्रमोशन मिल जाए। बाकी सबसे पहले तो अपने को इससे बात करनी है, बट उससे पहले जो कि ये वाला एरिया है ये मेरे को लगता है अपन जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले उन सभी के लिए है, वो अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे को एक सबसे अच्छी चीज लगी वो ये वाली है, यहाँ पे आप देख रहे हो गन है, बट अपन इसको निकाल सकते हैं, इसको अपन इमरजेंसी में ही निकाल सकते हैं। अभी तो पहले अपन इससे बात करते हैं। ओके रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, यस भाई मैं यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आया हूँ। तो अभी देखो मैंने इससे बात कर ली है, और ये कह रहा है कि अपने एक वार्डन है उससे मिलना है, और उसको ऑफिस को पता है। मैंने कहा यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, तो अपने को इसके पीछे पीछे चलना है। बट एक ऑफिसर और भी यहाँ पे, इससे भी अपने को आगे निकलना है, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यहाँ पे अपना नाम आना चाहिए क्योंकि अपन सबसे बढ़िया वर्क करने वाले हैं। अभी तो इसको तो मैं क्लोज करता हूँ, अपने को चलना है इस साइड में। एक सेकेंड और यार यहाँ पे भी एक डोर है, इसको खोले। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ऑफिस है कंफर्म, और ये वाला यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे फ्रिज भी है, इस साइड में पानी पीने के लिए भी है, और काफी ज्यादा बढ़िया सा किचन भी अपने पास है, और इस साइड में 1, 2, 3 और 4 अपने पास ऑफिसर है पहले से, और यहाँ पे बैठे खाने के लिए, और ये वाला खेलने के लिए, और यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा हुआ है। बट बाकी साइड से आप देख रहे हो यहाँ से काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, मतलब कि अपनी जो प्रिजन है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अभी अपन यहाँ इसको खोलते हैं, इसको करते हैं वापस से क्लोज। आपको क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को, आपको मार खाने की मन में आ रही है? अब इसको छोड़ो, अपन बाहर चल के देखते हैं। अपन बाहर में चलने वाले हैं वार्डन ऑफिस में, पहले अपन अपनी प्रिजन को चेक करने वाले हैं। इसको भी खोला, तो अपन बाहर आ चुके हैं, और आप देख रहे हो प्रिजन कितनी ज्यादा बड़ी है साइड से, और वहां पे कोई ग्राउंड भी लग रहा है, वहां पे काफी ज्यादा गार्ड्स और भी खड़े हैं, मतलब कि मेरे को लगता है कम से कम अपने को 150-200 गार्ड से सबसे आगे निकलना है, तभी जाके अपना प्रमोशन होने वाला है, और अपन बार बार चलने वाले हैं। पहले अपने को अपना वर्क भी तो कंप्लीट करना है, तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। बाकी विजिटर चेक इन, ओ ये वाला एरिया विजिटर्स के लिए है, कोई अगर मिलना चाहिए कैदी से तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिल सकता है, और बाद में वो वापस से जाएगा। तो अभी इसको भी मैं करता हूँ क्लोज, और अभी चलते हैं इस साइड में भाई, अभी बंद कर देते हैं, कोई कैदी भागना नहीं चाहिए। सर ये वाला क्या है, वार्डन्स ऑफिस। ओ भाई आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा वार्डन्स ऑफिस, एक दिन अपना भी ऐसा ऑफिस होने वाला है। वैसे याद रख तेरे को मैं बिल्कुल भी नहीं आगे निकलने दूंगा। ओके ठीक है ठीक है, अपनी को अंदर चलना है। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं कमीन। ओके कोई ठीक है, कह रहे आ जा आ जा। बाकी आप देख रहे हो ये वाला रूम कितना ज्यादा शानदार है, और यहाँ पे मैप भी है, जो कि मेरे को लगता है जितने भी कैदी हैं बाहर घूम रहे हैं उनके लिए कि कहाँ पे वो मिलने वाले हैं। बाकी गुड मॉर्निंग सर, आपसे हम बात कर सकते हैं? भाई सर देख रहे हो यहाँ पे बैठे नहीं है इनको, मतलब पता नहीं खड़े होने में क्या मजा आ रहा है, बट कोई नहीं, पर इनसे बात करने न्यू गाइस। ओके ठीक है बिल्कुल, मैं यहाँ पे नया हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी डरने नहीं वाला। यहाँ पे देख रहे हो वेयर इज द टॉयलेट, भाई भाई तार नहीं डर रखा कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मेरे को कहीं पे नहीं जाना, एकदम बढ़िया से हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक कहती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन उन्हीं की केयर करने वाले हैं। व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ द प्रिजन, ओके ठीक है यही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे सिचुएशन है, वो लड़ते बढ़ते हैं या फिर नहीं है। ओके ठीक है इट्स वेरी गुड टू बी होनेस्ट, वी आर हैविंग अ लकी। ओके ठीक है ये कह रहे हैं कि अपन बहुत ही लकी हैं, अपने पास जितने भी कैदी हैं वो बढ़िया है, इतना ज्यादा लड़ते बढ़ते भी नहीं है, मतलब कि एकदम बढ़िया से रहते हैं, बड़े खतरनाक बट बढ़िया से रहते हैं, पता नहीं यार वो कभी भी बिगड़ सकते हैं, अपने को उनको बढ़िया से रखना होगा। व्हाट आर माय ड्यूटीज, हाँ सबसे पहले मैं उनको ये बताऊं कि मेरी ड्यूटी क्या होने वाली है, गार्ड की तो होने वाली है, बट गार्ड में भी मेरे को क्या करना है, कहाँ पे मेरे को रहना है।
ओके ठीक है ठीक है, अपने को प्लेंटी भी लगने वाली है, अपने कुछ भी गड़बड़ की ना तो अपने को प्लेंटी लगने वाली है। बाकी ये कह रहा है कार्ड की ड्यूटी तो तू कल से कर लेना, बट तू आज क्या करने वाला है वो बता। तो भाई आप ही बताओ, मेरे को तो कुछ पता नहीं है आज, पता नहीं क्या काम देने वाले अपने को। तो सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ, मेरे को क्या क्या करना है। ओके टास्क कम्प्लीटेड। सबसे पहले ये कह रहा है कि तेरे को जाना है एक ऑफिस में, वहां पे जाने के बाद में तेरे को दो कैदी मिलने वाले हैं, जिनको बात करनी है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेने हैं, वो सारे सारे चेक करने हैं, और उनके पास में एक बार से ऑफिसर आएगा, वो उनको उनके ब्लॉक्स में लेके जाएगा और वहां पे रख देगा। ओके तो मैं पहले चलता हूँ यहाँ पे, बाकी एक दिन पक्का याद रखना मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, और ये वाली चेयर अपनी ही होने वाली है, अपन यहाँ पे बैठने वाले हैं। ये वाला रूम वैसे काफी ज्यादा बढ़िया भी है, उसने अपनी फोटो भी लगा रखी है, ये वाली फोटो भी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे अपन अपनी फोटो लगाने वाले हैं। अभी तो यार अपन कुछ कर नहीं सकते, उसके पास मेडल देख रही हो, 1, 2, 3, 4, 5 मेडल इस बंदे के पास हैं, अपन 6 या 7 मेडल लेने वाले हैं। अभी यहाँ से इसको भी खोलते हैं, ये वाला भी बंद, अपनी प्रिजन है वो काफी ज्यादा बढ़िया, बट पहले अपन नॉर्मली टास्क करते हैं, बाद में अपनी पूरी प्रिजन को चेक करने वाले हैं। इसको भी खोलते हैं भाई, तो भी बंद हो जाए, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए इसको भाई, क्लोज भैया ध्यान रखना ठीक है, यहाँ बढ़िया से घूमते रहना, कोई दिक्कत हुई ना तो मेरे को कॉल कर लेना। अभी इसको किया ओपन, ओके ओ भाई अपने पास यहाँ पे एक सोडे वाले भी है, ये वाले आपने नोटिस की होगी अपने पास रेंज सिमुलेटर में, बट यार वो चलती नहीं है, ये वाली यहाँ पे चल भी रही है, बट मेरे को लगता है अपने पास अभी रुपए नहीं होंगे। अपन चेक करें यहाँ पे, मिल तो काफी बढ़िया बढ़िया चीजें रही है, यहाँ पे अपने को चॉकलेट भी मिल रही है, अपने को सोडा भी मिल रहा है, अपने को चिप्स मिल रही है। अभी अपनी चिप्स तो ले लिए, इनको अपन बाद में खाने वाले हैं, अभी तो देखो अपनी हेल्थ है वो तो फुल हो रखी है, जैसे ही अपनी कम होगी तो उसके बाद अपन खाने वाले हैं। अभी पहले अपने को चलना है यहाँ पे, ओ भाई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग न्यू प्रिजन, कॉल द वेटिंग प्रिजन विद माइक्रोफोन डिफॉल्ट, ओके ठीक है अपने को कॉल करना माइक्रोफोन से ई से, ओके बाद में उनसे भी कहा चेक करना है, और उसके बाद में स्टैंप लगानी है कि वो सही है या फिर उनको अलाउ करना है, मतलब कि अगर रिजेक्ट होगा तो अलाउ तो वो भी होंगे बट उनकी अलग से कुटाई होगी, उनसे पूछा जाएगा भाई तूने ऐसा क्यों किया। अभी ये वाला नेक्स्ट, ओके ठीक है ठीक है, मतलब कि कुछ टाइप के ऐसे भी हैं, उन सभी को अपन अलाउ कर सकते हैं, जैसे ही कुछ कैंडी टाइप हुआ या फिर कोई भी खाने की चीज़ हुई तो वो उनको अपने अलाउ कर सकते हैं, बट अगर कुछ और हुआ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना अपने को, जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ अंदर की साइड में, ये वाली अपनी टेबल है, यहाँ पे एक चेयर है, और अभी अपने को क्या करना है कॉल, ओके ठीक है ये वाला माइक्रोफोन है इससे अपने को कॉल करना है, बट पहले यहाँ पे देख रहा हूँ, ओ यहाँ पे भी एक रूम है, ओ भाई अंदर की साइड में दो कैदी हैं, एक ये वाला कैदी है और एक ये वाला, दोनों के दोनों थोड़े यार एज्ड पर्सन लगते हैं मेरे को, ये वाला फिर भी थोड़ा ठीक लगता है बट ये वाला एज्ड है। कोई नहीं इनको अपन कॉल करते हैं भाई, दोनों यहीं पे खड़े रहो, मैं कॉल कर रहा हूँ एक सेकंड यहीं पे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना ठीक है, दोनों कान खोल के सुन लो, दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो देख कुटाई होने वाली है तुम्हारी, मतलब कि कोई सुनने नहीं वाला, काफी ज्यादा बुरी कुटाई होने वाली है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे आने के बाद में, ओके ई टू कॉल सबसे पहले, ओ इस पर्सन आने वाले हैं, ओके ठीक है, बाकी पता नहीं इन्होंने यार क्या किया है, वो तो अपने को चेक करने भी पता चलेगा इन्होंने क्या किया, क्यों जेल के अंदर आए हैं। पहले इनसे अपन बात करते हैं, इनका नाम है सेवन डेविस, ओके ठीक है, वैसे वन डे आई वोट है कैफे, ओके ठीक है, एंड आई शो पता नहीं इसने क्या देखा था, योर वाइफ विद अ मोम ब्यूटीफुल वेटर्स, मैं कह रहा है मैं एक दिन कैफे में था तो अपन क्या बोलते, इसने अपनी वाइफ को अपनी मोम के साथ देखा, ओ इसने अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखा, या फिर इसने ब्यूटीफुल वेटर्स को देखा, तो कुछ भी पूछ लेते अपन, वाइफ वेरी फनी बट आई नेवर हैड अ वाइफ, ओ भाई ये कह रहा है कि मेरी कोई वाइफ ही नहीं है, वो मतलब इसे पक्का किसी वेटर्स को देखा, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओ यस ओके भाई तेरे से अपन बाद में बात करने वाले हैं, अभी तो तू आराम से तेरी चेकिंग करवा, उसके बाद में तेरे से बात करेंगे, पहले हाँ इसकी मैं सर्च भी कर ले लूँ, क्या पता इसके पास कुछ हो, भाई तेरे पास कुछ है नहीं, इस बंदे के पास वैसे कुछ नहीं है, हाँ पहले से भी चेक होके आ रहे होंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं पीछे अंदर घुसते ही, अपनी को चेक करने पहले एंटर होते टाइम भी पक्की चेकिंग होती है, बस पहले अपने को उसकी फाइल चेक करनी, इसका नाम क्या था, ओके ठीक है सेवन डेविस, पहले फाइल को उठाते हैं अपने हाथ में, अभी नेम बिल्कुल सेम है, अपने को क्या करना है ऊपर की साइड में दे रखा है चेक कंप्लीशन ऑफ ए फिंगरप्रिंट विद कंट्रोल सीट, ओके ठीक है अपने को फिंगरप्रिंट चेक करने पहले तो साइकिल साइज सही है ना, उसके बाद में चेक द करेक्शन ऑफ द नेम डाटा, ओके ठीक है नेम भी चेक कर लेंगे अपन, उसके बाद में आईडी नंबर चेक करने, ओके ठीक है तो सबसे पहले अपन चेक करने वाले सेकंड इसका नेम, नेम इसका सेवन डेविस, ओके ठीक है, और इसके डेट ऑफ बर्थ 5/10/1977, ओके मेल अपने को पता है, और इसके एक्सपायरी डेट इस आईडी कार्ड की 2013, वैसे देखा जाए तो अभी 2021 चल रही है, बट यार पता नहीं गेम का क्या चल रहा है अपने को अभी कुछ नहीं पता, अगर अभी के हिसाब से देखें तो इसका एक्सपायर हो चुका है आईडी कार्ड,
अभी नीचे की साइड में आईडी नंबर है वो 46। ओ ये इंपॉर्टेंट है, अपने को ये देखना है 46 ऊपर ही साइड में, आप यहाँ पे देख रहे हो आईडी नंबर 46। ओके 86 ओके 41 ओके ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी अमेरिका का ये बंदा है, बट आप देख रहे हो इसने क्राइम किया क्या, मर्डर भाई इसने मर्डर किया है। मेरे को लगता है इसने उस वेट्रेस का मर्डर कर दिया होगा, तो ये कैफे में गया उसको बढ़िया लगी होगी बट उसने मना कर दिया होगा, इस चक्कर में उसने इसका मर्डर ही कर दिया जो कि काफी ज्यादा बुरी बात है। अभी तो भाई तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने वाला, और तो अभी अपने को क्या करना है फिंगरप्रिंट चेक करने हैं। इसका फिंगरप्रिंट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, ओके फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, ओके ठीक है ऑल राइट, इसका सारा कुछ बिल्कुल से सही है, इसने कोई गड़बड़ नहीं कर रखी अपने डॉक्यूमेंट्स में। अभी पहले अपने को इसको नीचे रखना है और उसके बाद इसको ब्लॉक ए में रखने वाले हैं, प्रिजन एडमिटेड टू द ब्लॉक ए। मतलब कि ये इतना ज्यादा घटिया पर्सन नहीं है, इसने मतलब यार बढ़िया से उससे बात की होगी, उसने मना कर दिया या फिर कोई झगड़ा उस चक्कर में उसने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है, ऐसे मर्डर नहीं करना चाहिए था। अभी सबसे पहले इसको अपने को अलाउ करना है, तो ये वाली अपने को उठानी है, ये वाली अलाउ की है, और रेड कलर तो हमेशा ऐसे यार रिजेक्ट के लिए होता है, तो अपन ने अलाउ तो कर दिया, सब कुछ सही है, बट अपने साथ साथ ये बंदा तीन तीन चीजें लेके आया भाई, इनका क्या करेगा यार। ठीक है पड़ेगा इस साइड में, इसके पास एक एप्पल कैंडी है और ये पता नहीं मेरे को क्या है, कुछ तो है यहाँ पे ई टू टेक, इसको लेके देखें एक सेकंड यहाँ पे। ओ भाई ये परफ्यूम लेके आए, इसको तो नीचे रखते हैं, बाकी अपने पास एक लिस्ट है उसमें पर चेक करने वाले कि क्या क्या अपन अलाउ कर सकते हैं, अलाउड आइटम्स बुक। ओके ठीक है इस बंदे के पास द ब्लू माइल नाम की बुक है, ओके भाई पढ़ लेना आराम से, वैसे भी देखो जिंदगी भर यहीं पे रहना है। और अंदर की साइड में यहाँ पे मेरे को एक सेकंड यार ड्रग्स मिले, ओ भाई जी टू टेक, ओ भाई ये मैं लेने वाला हूँ, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ड्रग्स मिले इस बंदे के पास, ड्रग्स तेरे को बिल्कुल भी, मतलब इस बंदे ने मैं सोचा कि बुक पढ़ रहा है भाई ये बंदा, बट इसने बुक के अंदर काट के भाई इसने ड्रग्स रखा है। बट यार मैंने भी ऐसा ट्राई किया, मैंने ड्रग्स नहीं रखा था बिल्कुल भी, मैंने फोन रखा था, घर वाले यार फोन चलाने दे रहे मतलब गेम खेलने के लिए, तो मैंने ऐसे बुक को काट के उसके अंदर फोन रखा था, किसी को पता भी चलता था, उस बंदे ने वही चला के की, तो भाई तो हमसे ज्यादा चला थोड़ी यार, हम सबसे पहले बुक की चेक करने वाले क्योंकि हमने सबने यही किया है। अभी अपनी को इसका एक सावर ये भी मैं चेक करने वाला हूँ, इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, इसको ओपन कर, इसके अंदर बाकी यहाँ पे एक नीडल है, पूरी भी मेरे को ड्रग्स लग रहा है। ओ पक्का ये भी ड्रग्स है भाई, इस बंदे के पास पता नहीं कितना ड्रग्स है, सारा सा ड्रग्स लेके आया है यहाँ पे, एक सिरिंज लेके आया उसके अंदर भी ड्रग्स है, तो ये वाला भी मैं लेने वाला हूँ भाई, ये भी मेरे को दे दे, कोई काम का नहीं है तेरा, मतलब किसी ने शायद मैंने हाँ ड्रग्स ले लिया, हाँ अभी लेके जा सकते हैं, तो अभी इसको आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फाइनली स्कोर चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसने इसके अंदर भी कुछ चेक करो है भाई कुछ, हेलो कुछ नीचे गिर जा भाई, नहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं है, हैंड इसे बिल्कुल सही रख रखी है। ओके ठीक है, अभी इसको अपने साथ के साथ चेक कर लिया है, बस अभी अपने को कॉल करना है गार्ड को ताकि वो उसको आके लेके जाए। ओके कॉल द गार्ड, बट एक सेकंड यार अपन ने इसको इसके कपड़े तो दिए नहीं है, ये वाले कपड़े अपने को देने हैं, कॉल तो बाद में करने वाले हैं, तो उठाते हैं और ये भाई तू ले इसको और यहाँ से निकल जा, ये वाले भी तू अपने आप उठा लेगा, फिर तेरे को दूं, ये वाला अपने आप उठा लेगा, बस अभी अपने को कॉल करना है गार्ड को, कॉल द गार्ड। ओके अभी इसने सारे सारा सामान अपना ले लिया यहाँ से और ये जा रहा है, उसके जितने भी ड्रग्स थे ना वो अपन ने ले लिए। कोई काफ जो खतरनाक बंदा था, मतलब कि बुक को काट के उसके अंदर ड्रग्स था, और ऊपर से वो वाला आइडिया था मैंने बिल्कुल भी सोचा था, दूसरी कर रखा था ना, मतलब एक जेल के अंदर और उसके अंदर इसने सीरिंज फंसा रखी थी, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने बस ऐसे ही चेक किया था, मैंने पहले चेक की थी जो अपनी बुक थी ना, तो मैंने सोचा क्या पता उसके अंदर भी कुछ होगा, तो मैंने उसको खोला तो उसके अंदर भी सीरिंज थी भाई, पता नहीं इतना खतरनाक आइडिया कहाँ से लेके आते हैं। तो अभी अपन चेक करते हैं दूसरे वाले को, ओके कॉल अनदर वन, बाकी ये वाला बंदा मेरे को थोड़ा शरीफ सा लग रहा है, पता नहीं जेल में क्यों आया, इसको चेक करने में पता चलेगा, इसका नाम है जूलियन मोरी। हेलो भाई क्यों आया तू जेल के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ओके ठीक है भाई बात बात कर, तू जेल में जा मजे ले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो तुझे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ मेरे को दे, मतलब कह रहा मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा। ओके भाई मत कर बात, अभी नाम तो इसका सेम है जूलियन मोरी। ओके डेट ऑफ बर्थ, ओके ठीक है 1979 14, ओके इसका एक्सपायरी डेट है 4/7/2014, मेल है, ओके आईडी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, आईडी नंबर है 6565656561, ओके सेम है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और तो नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, और इसने रोबरी की है, मतलब इसने किसी की चोरी की है, मेरे को लगता है या तो इसने बैंक लूटा होगा या फिर कोई काफी ज्यादा बड़ी ज्वेलरी शॉप लूटी होगी ताकि बढ़िया से रुपए आए। अभी लास्ट हमने को फाइनली चेक करने हैं इसके फिंगरप्रिंट्स, बाकी नेशनलिटीज की अमेरिका की है, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड, ओके ठीक है, फोर्थ भी सेम है, ये भी सेम, फिफ्थ भी सेम, सिक्स्थ, ओके ठीक है, ये सेकंड सही इसके बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं है इसके यहाँ पे तो। और इसको रखने वाले हैं ब्लॉक सी के अंदर, तो सबसे पहले तो इसको मैं नीचे रखता हूँ। ओके भाई ऑटो को नहीं अंदर पास, इसको तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। का इस तरह की सारी चीजें सही कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं इसके। बाकी ये बंदा एक यहाँ पे टिफिन बॉक्स लेके आया, पता नहीं ये टिफिन बॉक्स है, नहीं यार टिफिन बॉक्स नहीं, कुछ और ही है ये, खुलने वाला ऊपर साइड से। और ये बंदा भी आप देख रहे हो जेल लेके आया, तो भाई मैं पहले ये चेक करने वाला हूँ इसके पास जेल है। इसको खोले, ओ इस बंदे के पास कुछ नहीं है, ये वाला शायद तक मेरे को शरीफ लगता है भाई। खोल खोल इसको, ऊपर की साइड में घुमाए तो इस बंदे के पास नहीं यार, ये बढ़िया है, इसके पास कुछ नहीं है। और इसको देखें, इसके पास कुछ है इसके अंदर, नहीं यार इसके पास कुछ नहीं है। ये वाले हैं चिकन टीट्स, पता नहीं मेरे को क्या होते हैं, जो भी होते हैं अगर आपको पता है तो यार गाइस कमेंट में बताना मेरे को, मैंने कुछ आज देखा नहीं ऐसा। इसके अंदर कुछ है ना, खैर तो नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर बाकी। हाँ कुछ नहीं है, ओके ये भी रख दूँ, अलाउड है। बस तेरे को ड्रेस देनी है मेरे को ताकि तू यहाँ से जा सके, उठाना है ये वाला, इसको देना है, ये ले, इसके कपड़े अंदर जाके पहन लेना आराम से नहा धो के, तू लेके आया साथ में। और ये भी आराम से खा लेना, कपड़े वपड़े पहन के नहा धो के। अभी गार्ड को कॉल करते हैं और गार्ड इसको लेके चला जाएगा। बस अपने को दो ही चेक करने थे क्योंकि अब भी सिर्फ दो ही आ रखे थे, बाकी और थे नहीं, तो अपने टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने आज का फ्री टाइम अपन आराम से अपनी जम भी कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ी बॉडी सॉडी भी बना सकते हैं, अपन गेम्स भी खेल सकते हैं और साथ में अपन फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं जो कि प्रिजनर्स होंगे, मतलब कि जो कैदी होंगे। वैसे अपन एक काम और से कर सकते हैं, वो पता है क्या, अपन उनसे बातचीत करके उनसे रुपये लेके उसके बाद उनको छोड़ भी सकते हैं, बट ऐसा अपन नहीं करने वाले, वो उससे अपने को रुपए तो आ जाएंगे बट अपना प्रमोशन नहीं होने वाला, तो ऐसा काम अपन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अपने को बेसिकली चाहिए अपनी प्रमोशन। अब ये अपन यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, लेट्स गो। इसको किया अपन, अभी देखो अपने पास तीन चार आइटम, अपन एक तो शूटिंग कर सकते हैं, एक अपन ये पता नहीं क्या है इसके अंदर एरो वरो ये वाला कर सकते हैं, ये वाला क्लोज कर दो भाई, कोई आना नहीं चाहिए। अभी इसके अंदर चलना है या फिर इससे आगे वाले के अंदर, यहाँ से बेबी हाँ यहाँ से एंटर करना है, यहाँ पे अपन कुछ कर सकते हैं, बट ये वाला भी अपन नहीं करने वाले, ये इतना बढ़िया नहीं है। अभी मैं जिम करने वाला हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया सा हो। अभी देखो स्टेमिना कितना कम है, तो जिम अपने को किस साइड में मिलने वाली है, इस साइड में यहाँ पे। अभी यहाँ से अपने को बाहर निकलना है, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा प्रिजन है, उस साइड से देखने में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था बट अभी काफी ज्यादा बड़ा प्रिजन है। इसको अगर अपन चारों तरफ से देखें तो यहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े बड़े माइक्स लगा रखे हैं, ये सारे सारे कॉल करने के लिए है कि भाई सभी के सभी अंदर आओ। बाकी अपने पास यहाँ पे ऊपर गार्ड भी है, 1, 2, 3 एंड एक उस साइड में 4 और एक वहां पे 5 5 5। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो उसको आराम से देख लेंगे और उसको आराम से पकड़ भी लेंगे। बाकी अपने पास एक बास्केटबॉल ग्राउंड है और इस साइड में एक जिम है और यहाँ पे पहले से काफी ज्यादा गार्ड्स भी हैं, ये गार्ड्स तो कम है बट काफी ज्यादा है भाई। ज्यादा घूर मत, यहीं पे मारूंगा पटक के बता रहा हूँ, तू एक कह दिया अगर ज्यादा मेरे को घूरेगा ना मैं यहीं पटक के मारूंगा। अभी पहले मैं जिम करने वाला हूँ, तो जिम करते टाइम कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अभी पहले अपन यहाँ पे जिम करने वाले, ओ बढ़िया से पहले। अच्छा अपने को ऐसे पुलअप्स करने होगा, ठीक है ठीक है कंफर्म, ओके मैं समझ गया, अपने को ऐसे करना है। ओ ये वाला, ये अच्छा इससे ऊपर इससे नीचे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ थोड़ा बस चल जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, ओके 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 ठीक है आराम से नीचे। अभी वापस वापस वापस, अपने को ज्यादा नहीं उठाना वरना क्या होगा उसके बाद में अपनी जो हड्डी वड्डी वो भी यार क्रेक हो सकती है या फिर उसके अंदर भी पेन हो सकता है, तो अभी अपने को ऐसे करना है। ओके ठीक है ठीक है, इसको छोड़ो भाई, अपन ने दो कर लिए, फोर्थ है भी काफी ज्यादा हार्ड है ऐसे करना। अभी वैसे इसको मैं नीचे रखता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ भाई, बाहर निकल जा, मेरे को नहीं करना है एग्जिट करना है, काफी ज्यादा भारी था तो अपन ने ये तो कर लिया है, मतलब कि इनके साथ अपन फ्रेंडली रह सकते हैं, बस इनमें से कोई दिक्कत ना करे। अब भी अपन चलते हैं पहले बास्केटबॉल के ग्राउंड में और यहाँ पे इसको लेते हैं। ओ एक सेकंड भाई यार, मैं यहाँ पे ले रहा था बट इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, ये कह रहे मेरे साथ खेल सकता बट भाई अभी मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, मतलब कि तुमको बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे अपन एक ऑफिसर के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद भी उसको मार रहे हैं। और अपने पास एक स्प्रे भी है जो कि यहाँ पे देख रहे हो अपन ऐसे मार सकते हैं, तो सबसे पहले तो भाई मैं स्प्रे निकाल तो इसको पर मारने वालों, ये वाली स्प्रे थी ओ आ जा, ओ भाई रुक जा आ जा तेरी और तेरी है सीधे, ओ भाई दो दो आ गए एक सेकंड यार, मेरे को कुछ और निकालना पड़ेगा अपने पास, एक स्टैंड गन भी है। ओ भाई अभी आ जा ना, अभी इतनी देर से मतलब की आराम से बोल रहा था अभी तू भी आ जा, तुमको मर्जी इतने आ जाओ आराम से झटके काल दिखाते नीचे। और तू क्या कर रहा है अंदर चल, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना, वैसे अपन एक ट्राई और कर सकते हैं अपन ऑफिसर के ऊपर ट्राई करेंगे, ओ जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपने को चलना है, जल्दी से आग बुझानी है, बाकी पुलिस ऑफिसर को भी अपने काफी। ओ भाई चार्ज खत्म हो गया भाई, सॉरी सॉरी अपना चार्ज खत्म हो गया, अपने पास क्या क्या है पहले तो मैं चेक कर दूं अपने पास कुछ है। हेलो वी हैव एनीथिंग, बस अलार्म बजी रखी है,
अपनी आग वो भी लग चुकी है, तो सबसे पहले अपने को वहां पे आग बुझानी पड़ेगी वरना सारा कुछ जल जाएगा। भाई भाग 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 भाग, यहाँ पे पड़ा है शायद तक आग बुझाने वाला। भाई यार तुम इतने बंदे करो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे आग लेकर रखी है क्या? ये रहा ये रहा ये रहा, एक सेकंड एक सेकंड, बुझ गया। ओ ठीक है अपने आप ही। ओ भाई ऐसे पड़ा था अपने पास, इसको लेना है और ऐसे ऐसे करना है अपने को ताकि आग बुझ जाए। बंदे पे करी तो क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं है भाई। वो फर्क है, बंदे के ऊपर फर्क ही नहीं है। तू भी ले, इसको कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है। हाँ मुंह पे मारने पर हो रहा है, वैसे कुछ फर्क नहीं हो रहा है इनको। अब आया कैसी ना है, आई लुक यू ओके मे बी गेट सम मैनी ओके ठीक है। अपन इसे रुपए लेते हैं या फिर नहीं, आई डिपेंड्स व्हाट यू वांट। पहले अपन बात करते हैं ये क्या तथ्य है। अपन इसे रुपए नहीं लेने वाले, इसको अपन और ज्यादा फंसाने वाले हैं। मतलब कि इससे पहले पूछने वाले हैं कि अपने से क्या मतलब करवाना चाहता है। It depends what you want, okay ठीक है। As I know, package will come to the prison tomorrow, right? Okay ठीक है। कल एक package आने वाले इसके लिए, okay। उसको शायद तक allow करना and the check what's inside. Oh, अपने को उसके लिए check करना। It is possible to turn a behind eye to package then, okay? ठीक है मतलब क्या कह रहा है? I see what I can do. Okay, अपन check करने वाले। Oh, अपने को इसने रुपए भी दे दिए। Oh boy. मतलब ये कल इसका एक पैकेज आने वाला है, उसके लिए कुछ तो होगा, उसको अपने को अलाउ करना है। बट ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं करने वाले, अपन ने रुपए भी ले लिए और अपन इसका काम भी नहीं करने वाले। बाकी अपन चेक करते हैं कि करेंगे या फिर नहीं करेंगे। देखो गाइस अपन ने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम पास कर लिया, अभी अपने को नेक्स्ट जॉब करने है क्योंकि अपने फ्री टाइम था, वो सारा खत्म हो चुका है और यहाँ पे अपन ने काफी कुछ किया है। पहले तो अपन जल्दी से अंदर चलते हैं और अंदर का टास्क लेते हैं। यहाँ पे तो काफी सारे गार्ड्स खड़े हैं, तो इनमें से किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे, इसको कर दो बंद। अपने को अभी चलना है इस वाले रूम में, नहीं नहीं इस वाले में नहीं चलना, अपने को आगे चलना है मे बी, नहीं नहीं इसी वाली साइड में चलना है अपने को, यहाँ पे चलना है। उसके बाद में ये वाला खोलना है, अब भी चलना है अपने को इस वाले रूम में। और ये वाला रूम में को कुछ अलग से लग रहा है, शायद तक यहाँ पे अपने को पूरा समझाया जाएगा कि अपने को क्या करना है। और अंदर की साइड में एक ऑफिसर भी है, अपने को उससे चल के बात करनी है। टू टॉक ओके, सो रेडी फॉर योर डेली रिपोर्ट। ओके ठीक है अपने को डेली की रिपोर्ट लेनी है। यस इट्स ओवर फॉर टुडे, भाई मैं रेडी हूँ, बट आज के लिए इतना ही, अभी मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकता आज के लिए। यस आई रिकवर, बट अपन कल करने वाले हैं, अभी के लिए तो बस इतना ही। ई टू कंटिन्यू, तो अभी देखो गाइस अपना नया डे भी स्टार्ट हो चुका है, बट आज अपन बस इतना ही करने वाले हैं, बाकी का टास्क अपन बाद में करने वाले हैं। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना इसका नेक्स्ट गेम प्ले लेके आए या फिर नहीं लेके आए। बाकी हाँ अपन जल्दी माइनक्राफ्ट भी खेलने वाले हैं और GTA भी खेलने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।